तो हेलो बच्चों, हेलो सर। हेलो सर। बच्चों आज जो है डी एंड ए ब्लॉक का लेक्चर नंबर 6 हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आज का हमारा पहला टॉपिक होगा, वो होगा ऑक्साइड, कि मेटल का ऑक्साइड, ठीक है। तो मेटल जो होगा डी ब्लॉक का जो मेटल है वो ऑक्साइड किस तरह से फॉर्म करेगा, और वो जो ऑक्साइड फॉर्म होगा उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा या फिर एम्फोट्रिक होगा। तो देखो, जब कभी भी ये ध्यान रखना, ये इन इन जनरल क्या लिखा हुआ है, इन जनरल क्या होता है, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाए, 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा, तो क्या होगा उसका नेचर, बेसिक। क्या होगा भाई, बेसिक नेचर होगा। यदि ऑक्साइड का नेचर क्या हो जाए, +4, मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हमारा मेटल का क्या हो जाए, +4 हो जाए, तो नेचर क्या होगा, एम्फोट्रिक। और यदि +5 6 7 8 रहेगा तो उसे क्या बोलोगे, एसिडिक। तो ये इन जनरल लिखा हुआ है, कुछ एक्सेप्शन होगा। हाँ भाई, एक्सेप्शन होगा, कौन कौन एक्सेप्शन है, तो Cr2O3। Cr2O3 में देखो ऑक्सीडेशन नंबर तुम काउंट करो, क्रोमियम में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, कैसे पता चलेगा, 2x मेरे को x -6 = 0, तो x = क्या हो गया, 3 हो गया ना। यस यस सर, 3x3 है, इसका मतलब इसको तो बेस होना चाहिए था। यस सर, 1 2 3 वाले बेस है ना, 1 2 3 वाले क्या है, बेसिक है, 1 2 3 वाले बेसिक है, तो इसको भी बेसिक होना चाहिए था, बट ये क्या निकल गया, एम्फोट्रिक निकला, ठीक है। क्या निकला भैया, क्या एक यही एक्सेप्शन है क्या, नहीं ज्यादा बड़ा मतलब चीज़ और एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है, ये लोग भी एक्सेप्शन है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये सभी के सभी एक्सेप्शन मतलब एम्फोट्रिक है, लेकिन आप काउंट करो सब क्या है, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करो, यहाँ पे काउंट करो, V2O5 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, अरे बोलो, +5 क्या, किसका बताना है, अरे वैनेडियम को बोल रहे हैं, +5 नहीं होगा, यस सर, V2O5 में वैनेडियम का क्या है, +5, क्रोमियम Cr2O3 में क्रोमियम का +3 तो बता, यही तो अभी था ऊपर लिखा हुआ, Fe2O3 में +3 ZnO में +2 +2 और ये क्या गौतम हैंडिस की, बताओ भाई क्या दिक्कत है, अरे गौतम क्या दिक्कत नहीं है, हैंड्रेस करके गौतम गंभीर हो गया, दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पे देखो अब टेबल दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का ही है टेबल, क्या भैया देखो तुम बताते जाओ, मैं पूछते जा रहा हूँ कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। चलो ये बताओ, एससीटी ये क्या है, क्या है, क्या है SCTO3 ये क्या है, एसिडिक क्या हो गया, ये बेसिक है, क्या है, बेसिक। अब ये बताओ ये जो है, ये सभी के सभी क्या होंगे, सबके सब बेसिक हो जाएंगे ना, ये सभी के सभी बेसिक हो जाएंगे ना, यस सर, ये सारे के सारे क्या है, बेसिक है, क्यों भाई बेसिक है, क्योंकि इनका प्लस ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 3 के रेंज में आ रहा है, 1 2 3 के रेंज में आ रहा है, तो सारे के सारे बेसिक। अच्छा सीआर क्या हो गया भैया यहाँ पे, और ये ZnO क्या था, ZnO एम्फोट्रिक था, यह सभी हमने पढ़ा था ऊपर, एम्फोट्रिक, ZnO क्या था, एम्फोट्रिक। अच्छा इसको कुछ ट्रिक से याद करोगे ऐसी हो जाएगा, काम चल जाएगा, इसका तुम ट्रिक, ये कल हॉलीडे है ना, होमवर्क है ना, मतलब हॉलीडे कर रहे हैं,
होमवर्क बोल रहे हैं। कल छुट्टी है ना, एक अच्छा सा ट्रिक बताना मुझे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? इन सबको याद करने का एक ट्रिक बताना सर। वरुण वरुण करीना फिर से जरा चलो। अरे तुम कुछ भी अच्छा इतना जल्दी नहीं सोच पाओगे ना, सोच के बताना। वरुण करीना फिर से जरा चलो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अच्छे से, और अच्छा सोच के ना। नहीं इसमें ये हो जाएगा ना, वरुण रखे पहले की जो भी बोल रहे थे वो सीक्वेंस भी गड़बड़ हो जाएगा। वरुण करीना तो, फिर से वरुण करीना फिर से चलो, फिर से जरा चलो। नहीं तो केवल उतना ही से नहीं कर पाओगे भैया, ये भी आपको ट्रिक में आपको ये भी शामिल करना होगा, ये टू टू ये ओ ओ ये भी। चलो ज्यादा ट्रिक के नहीं, तुम चाहो तो इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो क्या, ऐसे याद कर लूंगा। नहीं नहीं ये जेड एन ओ और सी डी ओ ये देखो एक ही ग्रुप का है ना। Yes, एक ग्रुप का है और ठीक है, और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, प्लस टू ही होता है, प्लस टू ही होता है ना। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका प्लस टू ही है, तो इसका इसको तुम याद ध्यान रखना, ये मैक्सिमम में है और ये एम फोर ट्रिक है, ये तो दोनों याद हो जाएगा, जिंक और कैडमियम, जिनकी कैडमियम ठीक है। और यहाँ पे देखो ये तुम्हारा क्रोमियम और एफी दोनों, देखो एफी टू और थ्री में ये तो फेरस एलिमेंट है। हाँ ये देखो एफी टू और थ्री और सी आर टू और थ्री दोनों कंपाउंड एक ही तरह नहीं है, दो और तीन, दो और तीन ठीक है, दो तीन दो। और ये वैनेडियम का तुम अलग से ध्यान रखना यार, देखो वैनेडियम कुछ ज्यादा ही ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं चला गया, प्लस पांच में चला गया यार। बाकी लोग तो बेसिकली कुछ ज्यादा ही चला गया, ज्यादा ही उछल रहा है वैनेडियम, ज्यादा उछला तो क्या हो गया एम फोर्टी से लूट लिया। हाँ से लूट लिया। देखो ये वैनेडियम क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया एम फोर्टी। अब बताओ ये एम फोर्टी है तो इसके नीचे वाला ये वी टू ओ फोर क्या है, वो भी एम्फोटेरिक होना चाहिए। नहीं नहीं भैया जितना लिखा होगा एम्फोट्रिक है, उसके अलावा एम्फोट्रिक नहीं होता है, वो भी एम्फोट्रिक होना चाहिए, वो सब एसिडिक या बेसिक होगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा तो एसिडिक, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो बेसिक, बेसिक होगा बेसिक ठीक है, एसिडिक और बेसिक ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एम्फोट्रिक ही है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा एम्फोट्रिक ही है तुम्हारा V2O5, तो इससे नीचे V2O5 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, प्लस पांच था ना, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है V2O4 में, प्लस फोर है। बताओ रूल के हिसाब से प्लस फोर का क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, एम्फोटेरिक। अबे यार प्लस फोर एम्फोटेरिक कब से होने लगा, अरे हाँ भाई प्लस फोर तो एम्फोटेरिक होगा। हाँ यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वी टू थ्री में यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, प्लस थ्री, प्लस थ्री आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेसिक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, उसी तरह तुम ये देख लेना बाकी सबको, देखो तुम ये क्या होगा, ये ऑब्वियस बात है एसिडिक होगा, ये क्या होगा एसिडिक ही होगा ना, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, बोलो। यस सर, यस सर, 11th क्लास के एस ब्लॉक ई ब्लॉक में इतने सोच ले नहीं थे। चलो ये सारे एसिडिक बेसिक तुम खुद से अब फाइंड कर सकते हो, बस यहाँ पे दो तीन कंपाउंड है उसको देख लो, वो आपके काम का है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है देख रहे हो, कुछ ऐसा लिखा हुआ है Mn2O3 लिखा हुआ है, Mn3O4, Fe3O4 और CO3O4, और इसके ऊपर देखो एक तारा तरफ तारा बना हुआ है इसके ऊपर। यस सर, इनका ऑक्सीडेशन इसमें क्या पॉइंट है, क्या ऑक्सीडेशन पॉइंट में आ रहा है सर, ऑक्सीडेशन पॉइंट में आ रहा है। हाँ वो तो देखो सर जी करके ठीक है, चलो ठीक है पॉइंट में आ रहा है, लेकिन इस तारा के नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ मिक्स ऑक्साइड, तारा का मतलब क्या है मिक्स्ड ऑक्साइड, तो भैया ये मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है सर, होगी कोई भला, क्या होता मिक्स मतलब, अरे मिक्स मतलब, अरे मिक्स मतलब किसी चीज को मिक्स क्या, अरे किसी चीज को मिक्स करके बना रहे हो, जैसे मिक्स वेज क्या होता है उसमें बहुत सारे वेजिटेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर नीचे मिक्सिंग। अरे रुक जाओ सुन लो, देखो यहाँ पे मिक्स मतलब हो गया क्या, ये मैं ब्लैंक स्लाइड पे, ब्लैंक स्लाइड है क्या यहाँ पे, चलो देखो मिक्स का मतलब क्या हो गया, ये आपका एफी क्या था, एफी थ्री ओ फोर
और इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है और लिखा हुआ है ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड मतलब समझे ये FeO और डॉट Fe2O3 से मिलकर बना, मतलब क्या है FeO प्लस Fe2O3, मतलब इसका मिक्सचर है, इसका क्या है मिक्सचर है कौन Fe3O4, ठीक है। सिमिलरली तुम क्या करोगे, सिमिलरली तुम्हारा था Mn3O4 था, इसको भी इसी पैटर्न पे लिखोगे तो वो बताओ MnO नहीं लिख दोगे और डॉट Mn2O3 लिख दोगे, इसलिए क्या लगा हुआ है स्टार लगा हुआ है, क्यों स्टार का मतलब क्या हो गया ये मिक्स्ड है, किसके मिक्स मतलब इन दोनों से मिलके ये फॉर्मेशन। अरे बोलो यस सर, यहाँ पे है तुम्हारा अच्छा Mn7+ होगा। अच्छा एक बातें एनसीईआरटी के स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा है, चलो क्या लिखा हुआ है पढ़ो। दीज ऑक्साइड आर जनरली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। हाँ यार ये तो सबको पता है, मेटल को ऑक्सीजन से बना मतलब रिएक्शन करेंगे तभी तो ये बनेगा। और क्या लिखा हुआ है, क्या ऐसे ही जुड़ जाएगा कि नहीं, टेम्परेचर आपको हाई देना होगा, टेम्परेचर हाई देना होगा, ठीक है स्लाइड है, ठीक है। उसके अंदर क्या लिखा, ऑल द मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करना, क्वेश्चन अगर यहाँ से बनेगा तो इससे ये इसको बनने का पूरा चांसेस है। क्या लिखा, ऑल द मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम को छोड़ के सभी फॉर्म कर रहे थे एमओ, सभी के सभी एमओ फॉर्म कर रहे थे स्कैंडियम को छोड़ के। देखो यहाँ पे Yes, sir. देख रहे हो यहाँ पे मैं ये घेरा हूँ, देखो सारे के सारे फॉर्म कर रहे थे, निजेडेन हो, देखो ये पूरा लाइन। Yes, sir. एक स्कैंडियम ही ऐसा है जो कि स्कैंडियम ऑक्साइड नहीं फॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो स्कैंडियम ऑक्साइड नहीं फॉर्म कर रहा है। स्कैंडियम को तो एक ही मिल रहा है Sc2O3, और वो Sc2O3 क्या है, बेसिक है ना, बेसिक है ना। Yes, sir. हाँ तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे स्कैंडियम तुम्हारा क्या होगा प्लस थ्री होगा ना। उसके अंदर क्या लिखा हुआ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड, ये तुमको पता ही है, सबसे ज्यादा कौन जाएगा, मैंगनीज वाले ही लेके जाएंगे ना, Mn7+। तो क्या कर रहा है, कह रहा है हाईएस्ट ऑक्सीजन नंबर इन कंसंट्रेशन नंबर ऑफ Sc2O3 Mn2O3। देखो Sc2O3 Mn2O3 और क्या लिखा हुआ है, ग्रीव 7 नो बोल तो पढ़ लेना यार। ओके आगे बढ़ते हैं, कोई काम का उतना पॉइंट है नहीं, वही पॉइंट यहां वही सारा चीज यहां पे भी लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मेटल इंक्रीज, जैसे जैसे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ये तुम क्लास 11 में पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, तो क्या कहना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है इन केस ऑफ Mn, Mn2O7 एक कोवेलेंट है, Mn2O7 बोल रहा है कोवेलेंट है। क्यों कोवेलेंट है तू बता सकता है क्या, ये Mn2O7 को क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट 7 हो गया, प्लस 7 हो गया ना। यस स्टेट प्लस 7 हो गया, और लेकिन MnO का तुम बात करो, अगर MnO का बात करोगे तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या होगा, 2 प्लस 2 होगा। तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर माइनस लगाएंगे तभी तो प्लस 7 होगा, ऐसे तो सर प्लस, अबे 2 और 7 7 दूनी 14 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 x सो साथ ही होगा ना सर, माइनस 14 सर, माइनस 14 अच्छा क्या सर, x माइनस 14 2x माइनस 14 इक्वल टू 0 हां माइनस 14 हां तो वही तो सही तो है। ये निगम क्या बोल रहा है, निगम का बात ना बताओ मुझे सर, निगम ने ज्यादा चाय पी ली है, ज्यादा चाय पी ली, चाय पिए कि कुछ और पिए कुछ नहीं चाय पिए या चलो इधर देखो, सही है इधर देखो Mn7+ और Mn2+, तुम बताओ आयनिक बॉन्ड कौन ज्यादा बनाएगा, ये आयनिक नेचर का ज्यादा आयनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवेलेंट, आयनिक सर, Mn आयनिक
आयनिक सेवन प्लस की बात कर रहे हैं, सेवन प्लस सेवन प्लस ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अच्छा ये गुंजन बताएगा, गुंजन तुम बताओ सेवन प्लस आयनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? गुंजन सोचने दो सर, मुझे तो लग रहा है सर क्यों आयनिक ही बनाना चाहिए इसे। अच्छा फजान रूल लेकर कुछ पढ़े थे? जितना ज्यादा कटायन पे चार्ज रहेगा, कटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो तुमको पता ही था यासदान, तो गलत आंसर क्यों दे रहे थे? कटायन पे चार्ज ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ये क्या लिखा है? पोल मतलब, पोल मतलब पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होगा ज्यादा, और पोलराइजेशन मतलब समझे देखो क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा एक मेटल है और ये सेवन प्लस है, मेटल एक मेटल है जिसपे चार्ज सेवन प्लस है, और इसके सामने क्या होगा कोई निगेटिव चार्ज होगा ना, तभी तो बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ पे निगेटिव है। और एक दूसरा मेटल है इसपे क्या है टू प्लस चार्ज है, और इसके सामने भी निगेटिव है। अब ये बताओ तुम कॉम्पेंसेशन के वास्ते ये सेवन प्लस वाले इसको ज्यादा खींचेगा कि नहीं अपनी तरफ? यस सर। वैसे ज्यादा खींचेगा तो इसका शेप ज्यादा बिगड़ेगा कि नहीं? डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। शेप डिस्टॉर्टेड होगा तो बताओ ये जब शेप डिस्टॉर्टेड होगा तो वो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कोवेलेंट या आयनिक? कोवेलेंट। जितना ज्यादा चार्ज होता है ना उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कम है ना, चार्ज कम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, तो कोवेलेंट कम होगा यानी कि यहाँ पे क्या है आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो यही ये हो गया। केमिस्ट्री से ज्यादा फिजिक्स क्यों लग रही है? बहुत सही से पता करना होगा तो मेरे को मैसेज करना, मैं क्लास को 11th का वीडियो लिंक आपको भेज दूंगा। हाँ सर 11th के लिए लिंक है ना, भेज देना। अरे तुम मैसेज करते नहीं हो यशवीर और बोलते भेज दो। अभी पढ़ाई करो, अभी चलेगा मैसेज करते, अभी पढ़ाई करो यार। चलो इधर देखते हैं, इन केस ऑफ MN, MN के केस में क्या होगा? Mn2O7 क्या है? एक कोवेलेंट, क्या भैया? कोवेलेंट ग्रीन वायलेट। अरे भाई कोवेलेंट एक कलर बता रहा है, ग्रीन कलर है ये, तुम अपना ध्यान वापस रख लेना सर, ग्रीन है ऑयल। ठीक है Mn2O7 देखो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या था ये कोवेलेंट वर्ड इंपॉर्टेंट था, Mn2O7 क्या कोवेलेंट है। और देखो यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, CrO3 एंड V2O5 है लो मेल्टिंग पॉइंट इन दिस हायर ऑक्साइड द एसिडिक। ये ऑब्वियस सी बात है, बताओ ये कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? सर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, कम होगा। सही बात है, देखो क्यों तुम ऐसे भी सोच सकते हो ना कि देखो एक पेट्रोल है, पेट्रोल आसानी से भाप बन के उड़ जाएगा, और पेट्रोल कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, पेट्रोल में क्या है कोवेलेंट बॉन्ड, तो पेट्रोल आसानी से उड़ रहा है तो क्या हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है ओके, ये सारे पॉइंट हम ब्लैंक स्लाइड में पढ़ के समझेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट को उसमें कुछ है क्या कोई काम का? हाँ ये देखो, सिमिलरली V2O5 रिएक्ट विद अल्केली एज वेल एज एसिड to give VO4-3- and VO4+ respectively. ये भी आपका important है, इसलिए important है क्योंकि देखो क्या है भैया V2O5 जो होता है ना, ये देखो V2O5 एक तो तुम्हारा क्या है amphoteric है, amphoteric था ना भाई V2O5? Yes. और amphoteric है तो बताओ, amphoteric है तो ये acid base दोनों से reaction करेगा कि नहीं? Yes, sir. भाई एम्फोट्रिक है, एम्फोट्रिक का मतलब ही होता है जो दोनों से रिएक्शन करे, तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। अब ये क्या यही लिखा हुआ है कि ये अल्कली एज वेल एज एसिड, अल्कली मतलब बेस, एसिड और बेस से दोनों से रिएक्शन करेगा, अल्कली से रिएक्शन करेगा तो क्या दे रहा है VO4-3- दे रहा है, और बेस से तुम्हारा एसिड से रिएक्शन करेगा तो VO4+ दे रहा है। अब तुम बताओ यहाँ पे वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, काउंट करो जल्दी से फटाफट, 8-8 चार दुना 8 -3 कितना
सर प्लस पांच 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 क्या है पांच है देख रहे हो दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट यार सेम ही निकल गया ना इसका भी तो पांच ही था यस सर यस सर तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकता है ऐसे नहीं पूछ सकता है कि V2O5 जो है वो एक एम्फोट्रिक ऑक्साइड है तो वो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन सर प्लस चार्ज पे फोर लिख रखा है क्या अरे नहीं भाई बीओ फोर प्लस है वो एक्स एक्स माइनस फोर इंटू सर प्लस नाइन आने चाहिए ना प्लस सर सर प्लस नाइन आएगी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस वन तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा नाइन प्लस नाइन आ जाएगा नाइन आ जाएगा वो भाई साहब इसका ऑक्सीडेशन तो गजब आगे निकला यार अभी तो कुछ ज्यादा ही निकल गया कुछ ज्यादा ही आगे नहीं निकल गया यार ठीक है यस सर और यहाँ पे देखो यहाँ पे कैलकुलेट करो यार x माइनस सर यहाँ पे तो प्लस 5 ही है 8 इज इक्वल टू माइनस 5 ही है यहाँ पे भाई तुम लोगों को कोई कुछ भी भरोसा करने लायक नहीं है यार एक ऑक्सीडेशन स्टेट ही बता रहे थे गलत बता रहे हो यार 5 लिखवा दिए थे यहाँ पे वो तो मैंने बताया मैं तो 9 ही बोला अब तो देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या देख सकते हो भाई मैं कहूँ यार कुछ नया ही अजीब सा मुझे रिजल्ट दिख रहा है सब सेम कैसे होगा क्योंकि सेम तो होना नहीं चाहिए क्योंकि देखो जनरली क्या होता है जनरली क्या हमेशा ऐसे ही होगा कि अल्कली में तुम देखो अल्कली में जो तुम डाले हो तो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कम कम है और तुम्हारा बेस में डाले मतलब एसिड में डाले हो तो देख रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है ना तो ये पॉइंट ध्यान रखो कि जब भी तुम एसिड में डालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट एसिड में डालने से बढ़ जाएगा और बेस में डालने पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है ठीक है इसका रिजल्ट आगे हम जब बेस में डालने पर कम होता हाँ जनरली बोल रहे हैं ठीक है बेस में डालोगे तो कम होगा ऑक्सीडेशन अरे देखो बेस में क्यों कम होता है तुम ऐसा नहीं सोच सकते हो बेस मतलब OH माइनस अरे बेस मतलब क्या होता है OH माइनस मतलब OH माइनस करेगा तुमको माइनस दे देगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट कम नहीं हो गया यस सर और एसिड मतलब क्या होता है एसिड मतलब H प्लस अब तुमको H प्लस दे देगा ज्यादा दे देगा हां भाई प्लस चार्ज तुमको मिल गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ नहीं जाएगा यस सर हां तो खैर इसका रिजल्ट आगे हम देखेंगे क्या है वही सब ये अरे वही सब पॉइंट फिर से लिखा हो यार एक बार पढ़ लेना इसको तुम पढ़ लेना Sc2O3 ये सब हमने पढ़ा ही और कितने लेक्चर लगेंगे सारे के सारे वही वही सारी चीजें देखो Mn2O7 तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा खुद से हाँ यहाँ पे देखो फिर से लिखा V2O5 इज क्या है एम्फोट्रिक है एम्फोट्रिक है तो मेनली एसिडिक एंड विद अल्कली एज वेल एज एसिड ये क्या करेगा रिएक्शन करेगा और क्या दे रहा है VO2+ और VO4-3- दे रहा है सर ये 4 था ना क्या लाइट दिखाने बार पीछे वाली क्या हो गया भाई सर VO2+ यार अरे ये एनसीईआरटी वाला तुम फॉलो करना ठीक है एनसीईआरटी को फॉलो करना नहीं ये तो सर सही है वहां पे VO2+ रखा है ना अरे देखो कुछ भी कंट्राडिक्ट नहीं ना तो एनसीईआरटी को आप फॉलो करना अगर ऐसा कुछ हो पीछे वाले ये रहा ये रहा हां यहां पे VO2+ VO2+ रखा है यहां पे सर ये अब पांच आ जाएगा सर अच्छा तो पांच आ जाएगा क्या क्या दे रहा है यार एक सेकंड V2O5 इज हाउएवर एम्फोट्रिक दो मेनली एसिडिक विद अल्कली एसिडिक एसिडिक के साथ क्या दे रहा है ये प्लस 5 ऑक्सीडेशन क्लाइंस पी एस प्लस एसिड ये V4 प्लस होना चाहिए यार सर 4 ही होगा ये गलत प्रिंटिंग ये गलत दिया इसको तुम इग्नोर करो क्योंकि देखो एनसीईआरटी कुछ भी होगा तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे इसलिए मैं बोला इसको काटो ये एनसीईआरटी का स्लाइड नहीं है ठीक है VO4+ होगा यस सर ठीक है कंट्राडिक्ट हो गया अभी भी मतलब ये तुमको बहुत बार ऐसे होगा तुम दो तीन बुक पढ़ोगे ना तुमको कंट्राडिक्ट मतलब कुछ किसी में कुछ मिलेगा किसी में कुछ मिलेगा फॉलो किसको करोगे एनसीईआरटी क्यों एनसीईआरटी को फॉलो करेगा कि जो तुम्हारा कमीशन होता है जो तुम्हारा नीट और जेई वाला जो होगा वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है ठीक है यस सर तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और एनसीईआरटी यूजुअली सही होता है यूजुअली सही होता है एनसीईआरटी सर पढ़ने में मजा भी आता है लेकिन पढ़ने में मजा आता है दिल नहीं करता सर चलो अब आते हैं बड़े बड़े अब मजा नहीं आएगा
अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ना, इसमें मजा नहीं आने वाला, इसमें आएगा देखते हैं। यस सर, रिडॉक्स रिएक्शन का, रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही, लेकिन यूजुअली तुम इसमें कलर शो हुई होंगी, वो है कलर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कलर उलर नहीं पढ़ना है यहाँ पे, हमको पढ़ना है कि पोटेशियम पर मैग्नेट यानी कि KMnO4 कैसे बनेगा और उसका रिएक्शन क्या होगा। आज के क्लास का रिएक्शन मैकेनिज्म, यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं होता है, ये तुम क्या पढ़ रहे हो, इनऑर्गेनिक, यहाँ पे रिएक्शन और प्रोडक्ट। हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा रटना है आपको, मतलब कंसेप्ट पता रहेगा, कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है और उससे आपको प्रोडक्ट फाइनली आपको याद ही करना होगा, ठीक है। पिछले वाले एग्जाम में, पिछले वाले में तो मैंने बस प्रोडक्ट देखा और रिएक्टेड लिख देता था। अच्छा चलो, यहाँ पे क्या मार मार के, अच्छा देखो इधर देखो, पोटेशियम परमैंगनेट कैसे फॉर्म करेगा वो हम देखते हैं। देखो पोटेशियम परमैंगनेट जो है, ये भी एनसीईआरटी का स्लाइड है, बोल रहा है पोटेशियम परमैंगनेट आपका बनेगा, कैसे बनेगा, बाय द फ्यूजन ऑफ MnO2 का क्या करो, पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ MnO2 विद अल्कली। अल्कली मतलब क्या हुआ, अरे बेस, अल्कली मतलब बेस। तू बोल रहा है MnO2 को MnO2 में तुम बेस डाल देना, कौन सा बेस, कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड डाल दो। तो देखो MnO2 लिया हुआ है, देखो यहाँ पे देखो MnO2 और बेस लिया हुआ है, ठीक है, MnO2 और बेस लिया हुआ है, और इसमें देखो इसको क्या करना, फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कराना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि तुम्हारा KNO3, यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, O2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यस सर, खुद को तो दिस प्रोड्यूस द डार्क ग्रीन K2MnO4, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा K2MnO4 और साथ में पानी देगा, ठीक है, विच डिसप्रोपोर्शनेट इन ए न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम। देखो ये एसिडिक मीडियम है ना, और ये क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेट करके ये क्या बनाएगा, MnO4-, ठीक है, और बाकी ये बाई प्रोडक्ट बन गया, ये आपका बाई प्रोडक्ट बन गया, तो बन गया भाई KMnO4 बन गया। कैसे बनाए, मैं यहाँ पे फिर से लिख के आपको समझा दे रहा हूँ, कलर भी बता दो फिर, कलर भी बना दो, कलर KMnO4 का कलर तुमको नहीं पता है सर, डार्क पिंक होता है, पर्पल, हाँ तो डार्क पिंक पर्पल होता है, और K2MnO4 का यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है डार्क ग्रीन, और KMnO4 का यार तुम 19th से जानते होगे, पर्पल, पर्पल, यस सर, 9th 10th में जाना, नहीं नहीं पढ़ना था यार, तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था यार, झूठ बोलता है यार, 10th में 9th में लॉकडाउन था सर, 10th में 12th में किया था एक्सपेरिमेंट, 11th में किया था प्रैक्टिकल, ठीक है, हमने 11th में किया था सर जी, 9th में पढ़ने के लिए कोरोना नहीं होना चाहिए था ना। अरे सुनो इधर देखो, KMnO4 ये ध्यान दो यार, ये फाइनली तुमको रिएक्शन याद ही करना हो, थोड़ा ध्यान दोगे ना तो तुमको आगे चल के याद करने में आसानी होगा। कैसे, क्या ध्यान दो कि देखो KMnO4 बनाना है तो सबसे पहले तुम लोगो MnO2 लिए, MnO2 लेने में क्या फायदा हुआ, ये M4 trick है कि नहीं, अरे बोलो, ये M4 trick दोनों से रिएक्शन करेगा, अरे भाई एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करेगा, हाँ भाई करेगा, तो सबसे पहले तुम इसको बेस से रिएक्शन कराना, किससे कराना, बेस से, बेस में तुम ले क्या ले लो, KOH ले लो, एनसीईआरटी में दिया KOH ले लो, कुछ और भी बेस ले सकते हो, मेटल हाइड्रोक्साइड बोला है ना, तो कुछ भी आप बेस ले सकते हो, ठीक है, तो आप इसमें एक बेस लिए और बेस में के साथ क्या लेना है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकता है, KNO3 हो सकता है, यहाँ पे हम O2 लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, O2 ले लिए, अब ये क्या बनाएगा, ये बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 4 है, अब 4 से बढ़ाएगा कि नहीं, बढ़ाएगा सर, प्लस सिक्स हो गया, लेकिन तुमको क्या चाहिए, प्लस सेवन चाहिए, अब बताओ अगले स्टेप में तुम एसिड में डालोगे कि बेस में डालोगे, कहाँ डालोगे, एसिड में नहीं डालोगे, यस सर,
तो इसलिए एसिड में डालेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको एसिड में डालेंगे। एसिड में डालेंगे यानी कि एच प्लस दे दो, एच प्लस दे दो, एच प्लस दिए तुम्हारा क्या बन गया, लो बन गया के मेनो को। बाकी साइड प्रोडक्ट अगर तुम भूल भी जाओगे ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ये वाटर 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 जो लिखा हुआ है ना, इसको तुम चाहो तो भूल भी जाओ। मेन जो है ये है, ये जो मैं हाईलाइट कर दिया हूँ उसको ध्यान रखो, ठीक है, या फिर तुम इसको याद रखो। अरे बोलो, यस सर। क्या टफ था गया है? नो सर, टफ नहीं था। कैसे 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 टफ नहीं था? आप किसको स्टार्ट करोगे, किसको लोगे पहले बताओ, जल्दी बोलो किसको लोगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, वो इसको 6 तक पहुंचाया, 6 से 7 ले जाने के लिए एसिड में डाल दो, 7 आ गया, एंजॉय करो। यस अगला आगे बढ़ा जाए, अगला स्टेप देखो। यस सर, ये क्या है, ये तुम्हारा है कमर्शियली। कमर्शियली जानते हो, कमर्शियली का मतलब क्या होता है सर? आम तौर पे अबे आम तौर पे होता है क्या नहीं होने वाला है? हां मतलब फायदे के लिए। हां फायदे के लिए इंडस्ट्री में यूज करते हैं इसे। जब तुम बोल लेते आम तौर के, सीजन भी चल रहा है आम तौर पर फैक्ट्रियों में। हाँ फैक्ट्रियों में, कमर्शियली मतलब फैक्ट्रियों में जो यूज होता है, मार्केट में बिकता है, तो वो KMnO4 कैसे मिलेगा, कैसे बनेगा? जो KMnO4 मार्केट में, देखो तुम्हारे स्कूल एग्जाम में यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया जो मार्केट में KMnO4 मिलेगा यानी कमर्शियली जो होगा वो कैसे प्रिपेयर करेगा, आप मार्केट वाला KMnO4 कैसे बनाता है, इसी तरह पूछेगा। तो इस केस में देखो इस बार भी क्या लेना है आपको, MnO2 ही लेना है। पढ़ो पहले क्या क्या लिखा हुआ है। कमर्शियली ये कैसे बनेगा, commercially it is prepared by the alkaline oxidative fusion. देखो तरीका वही है, सबसे पहले alkaline base लोगे ना, base लोगे तो भी तुम्हारा क्या बनाएगा MnO42 minus, और यहाँ पे बताओ Mn का oxidation state क्या हो रहा है? Plus six हो रहा है। तो पहला step हुआ, तो पहला step तो उसी की तरह हो गया, same ही है ना? लेकिन second step में तुमको difference दिखेगा। second step में वहाँ पे acid डाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। अरे तुम लोग तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ भी लिए हो ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े थे ना कि यार वगैरह ये सब पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो देखो MnO2 का तुम क्या करोगे, सबसे पहले पहला स्टेप सेम ही है, क्या सेम है, तो वहां भी तुम क्या कर रहे थे पहले स्टेप में, बेस ले रहे थे, और बेस के साथ क्या ले रहे थे, एक O2 वहां पे ले रहे थे, और वहां पे भी लिखा हुआ था एक O2 लोगे ना ऑक्सीडेशन के लिए, यहाँ KNO3 लिया हुआ, KNO3 आपको पता ये भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी बेसिक है। पहला तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, और प्लस 6 हो आ गया। लेकिन अगले स्टेप में वहां पे क्या ले रहे थे आप, एसिड ले रहे थे, नेक्स्ट स्टेप में एसिड ले रहे थे, यहाँ पे एसिड नहीं लिया, यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, देखो ये स्टार्टिंग में ये बेसिक मीडियम था ना, यस सर, ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, अब इसलिए तुमको ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराओगे ना, तो ध्यान रखना बेसिक में ही मीडियम लेना है। देखो तुमको, तुम पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां मीडियम चेंज कर रहे थे तो अलग ही पोटेंशियल जनरेट होने लग रहा था, कुछ अलग कहानी बन रहा था। अरे मीडियम चेंज हो जाएगा तो अलग कहानी स्टार्ट नहीं हो जाएगा? Yes, sir. तो वो सब स्टोरी ना हो, इसलिए आप क्या करना, यहाँ पे बेस था तो बेस ही ले लेना, ठीक है। अरे yes, ना अल्कलाइन था तो अल्कलाइन ही ले लो, अगर मीडियम चेंज करोगे तो क्या वैसे ही चुपचाप थोड़ी बैठेगा भाई, अगर मान लो यहाँ पे एसिड, हाँ वो भी रिएक्शन करेगा ना, वैसे एसिड डाल ही दोगे तो फिर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराने की कोई जरूरत ही नहीं थी, वो तो ऐसे ही काम कर देता भाई। अगर एसिड ले लेते तो क्या इसे ये इसकी जरूरत थी क्या, एसिड ले लोगे तो पहला तो यहाँ पे क्या करोगे, ये कमर्शियली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सस्ता पड़ेगा तब आपको मार्केट में बिकेगा, ठीक है। चलो बोलो, और देखो इसको क्या बोला गया, इसको ये बोला गया मैनगनेट,
क्या है, ये मैंगनेट है और ये मैंगनेट का आयन है, मैंगनेट आयन, अरे आयन है ना, और ये क्या है, पावर मैंगनेट, ये नाम याद रखना, पावर मैंगनेट। अरे तो तुम वो याद होगा KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम पावर मैंगनेट, पोटेशियम पावर मैंगनेट, ऐसे इसका नाम ऐसे ध्यान रखना, देखो कैसे ध्यान रखोगे, पोटेशियम पावर मैंगनेट, ठीक है। तो वहां पे जब तुम्हारा पोटेशियम चला गया यानी कि पॉड चला गया, पॉड निकल क्या बच गया, पर निकल मैंगनेट बच गया, ठीक है, पर निकल गया मैंगनेट बच गया। चलो कमर्शियली, और फिर एग्जाम में तुम्हारे ऐसे ही क्वेश्चन पूछते कि भाई लैब में कैसे बनाओगे, लैब में कैसे बनाओगे, तो देखो इसको कैसे ध्यान रखोगे, भैया देखो कमर्शियली वगैरह तो MnO4 MnO2 ले रहे थे, यानी कि Mn पे क्या था, प्लस चार्ज था ना, चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था Mn का, चार था ना, लेकिन जब तुम लैब में लेके जाओगे तो लैब में बनाने के लिए तुम चार से नहीं, तुम देखो लैब छोटा जगह है ना भाई, छोटा जगह में तुम ऐसे ध्यान रखना, छोटे जगह में तुम ऑक्सीडेशन स्टेट छोटा से स्टार्ट करना, छोटा से मतलब स्टार्ट करने का मतलब क्या, तुम Mn से स्टार्ट करना, Mn2+, देखो Mn2+ से स्टार्ट किया गया है ना, और Mn2+ से स्टार्ट करना है, और फिर इसमें इसको क्या डालना है, देखो इन देयर मैंगनीज टू आयन साल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय किससे, पर ऑक्सोडाइसल्फेट, किससे, पर ऑक्सोडाइसल्फेट, और ये पर ऑक्सोडाइसल्फेट क्या होता है, तो यही H2O8-2-, ये है आपका पर ऑक्सोडाइसल्फेट आयन, ठीक है, और इसको तुम ये करोगे तो तुम्हारा बन गया पर मैग्नेट, एक स्टेप में ही निकल गया, ठीक है। अरे Mn2+ पे लिए और क्या रखे, लिए पर ऑक्सोडाइसल्फेट और पानी मिलाओगे, तुम्हारा एक स्टेप में MnO4-, और ये तरीका है लैब में बनाने के लिए, और लैब में क्या होता है, यूजुअली हम कम क्वांटिटी में बनाते हैं, लेते हैं सर, कम अमाउंट में लेते हैं। चलो ये NCERT का स्लाइड है, इसको अब ब्लैंक स्लाइड से हम करते हैं, बहुत सारे रिएक्शन है, ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं फिर बात करेंगे। अरे चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये है तुम्हारा, अरे अभी तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, अभी तक जो भी हमने बात किया किसी को नहीं दिक्कत, तो ध्यान से सुनना, ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, यस आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, आप पढ़ रहे हो इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक बोलता है रट्टो, देखो अरे ऑर्गेनिक में भी ऐसा ही है, यार क्या रटना रटना कर रहा है, इतना आसान तो बताएं यार क्या था भाई, देखो अभी रिवाइज करो, मेरे साथ रिवाइज करो, क्या था, अगर तुम कमर्शियली बना रहे हो या ज्यादा मात्रा में बना रहे हो तो किस 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 से स्टार्ट करोगे, MnO2 से, MnO2 से स्टार्ट करोगे, और तुम ये तुम ही बोलो क्या करोगे, ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक में पूरा तीर चलता है, ऐसे जा रहा है वैसे, देखो ऑर्गेनिक यहाँ पे, देखो ऑर्गेनिक दिख जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा, ये ऐसे तीर गया और ये रेजोनेंस गया, ये रहा ऑर्गेनिक, ये रहा ऑर्गेनिक, yes, देखो इधर देखो, ये तुम्हारा HMnO4 है, इसको बोलते हैं पर मैंगनीज, पर अरे पर मैंगनीज यार, मैंगनीज है ना, क्या है मैंगनीज है, तो क्या नाम होगा, पर मैंगनीज एसिड, क्या है पर मैंगनीज, अरे मैंगनीज है ना, ये Mn क्या होता है, मैंगनीज, तो क्या है ये पर मैंगनीज एसिड है, इसमें से तुम H+ हटा दोगे, तो H+ हटा दोगे, देखो जब भी H+ हटा दोगे इसका मतलब क्या हो गया, H+ गायब हो गया, यानी कि H+ को तुम खा गए, क्या किए, H+ को खा गए ना, yes. अरे देखो इसमें H+ है क्या, क्या हाइड्रोजन है, देखो जब हाइड्रोजन गायब होगा ना तो इसका नाम हो जाएगा पर मैंगनेट, क्या हो जाएगा, अरे यार पर मैंगनेट, मैंगनेट, देखो क्या यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, पर मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन, अब बताओ ये पर मैंगनेट, मैंगनेट लास्ट में क्या आ रहा है, एट आ रहा है कि नहीं, बताओ भाई, यस सर, एट मतलब खाना होता है ना, अरे yes, का yes, तो yes, एट मतलब देखो तुम क्या हो गए, हाइड्रोजन को तुम खा गए, देखो हाइड्रोजन खा गए कि नहीं, अरे भैया हाइड्रोजन को गायब किया, हाइड्रोजन को आपने खा लिया, हाइड्रोजन ने खा लिया तो क्या नाम हो जाएगा, पर मैंगनिक एसिड जो था वो क्या हो गया, पर मैंगनेट,
क्या बन गया हैंड ग्रेनेड और ये आयन तो आयन ही रहेगा ना तो ये क्या बना देखो HMnO4 से तुमने क्या बनाया MnO4 माइनस बनाया HMnO4 से क्या बना आपका MnO4 माइनस ठीक है MnO4 माइनस अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है इसमें क्वेश्चन बनता है सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने आना चाहिए स्ट्रक्चर तो आई थिंक सबको ड्रॉ कर लेगा अरे यही होगा ना Mn ले लो और चार ऑक्सीजन है तो लो चार ऑक्सीजन को जोड़ दो चार ऑक्सीजन को जोड़ दो क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो दो बॉन्ड बनाती है और मैंगनीज मैक्सिमम सात बॉन्ड बना सेल लोग बन गया तो देखो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने आ गया देखो यहाँ से अब क्वेश्चन क्या बनेगा आपका आपका क्वेश्चन ऐसे बनता है वो पूछेगा कि बताइए OMNO बॉन्ड क्या कितने OMNO बॉन्ड सेम है एक दो तीन चार कितने OMNO बॉन्ड सेम है सेम मतलब सेम जैसा एक ही जैसा चारों के चारों OMNO बॉन्ड सेम ही है ना देखो इसका अगर बॉन्ड लेंथ x होगा तो इसका भी x होगा इसका भी x होगा और इसका भी x होगा अरे सबका सेम होगा कैसे पता चला सबका सेम देखो क्या होगा ये तुम्हारा रेजोनेंस करेगा ना ये इधर जाएगा ये ओपन नहीं हो जाएगा रेजोनेंस करेगा और सब में देखो यहाँ पे क्या होगा अगले स्टेप में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो सेम आ गया कि नहीं सेम आ गया ना तो कितने OMNO बॉन्ड सेम हुए तो चारों के चारों बॉन्ड क्या है सेम है ठीक है क्या भैया सेम है बोलो भाई यहाँ पे तुमने क्या लिया मैंगनीज एसिड लिया देखो वो क्या था वो मैंगनीज पर पर मैंगनीज एसिड था पर मैंगनीज था यानी कि एक पर मतलब क्या पर मतलब एक होता है ना तो एक मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है एक हाइड्रोजन था लेकिन इसको मैंगनीज एसिड बनाने के लिए आपको दो हाइड्रोजन लाना होगा क्या लाना होगा तब तो पर गायब होगा तो पर गायब करने के लिए आपको करोगे दो हाइड्रोजन तो क्या हो गया H2MnO4 हो गया H2MnO4 हुआ अब फिर से देखो इसका हाइड्रोजन तुम खा लोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा मैंगनेट नाम हो जाएगा एट आ जाएगा क्या लास्ट में नाम में मैंगनेट मैंगनिक एसिड से क्या बना मैंगनेट आयन और आयन तो रहेगा यार चार्ज है माइनस है तो आयन रहेगा तो फिर से इसका क्वेश्चन वही क्या ये सारे OMNO बॉन्ड सेम ही है क्या यस सर सेम है ना देखो इसका स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करोगे MN अरे वो तो वही वाला यहाँ पे टू माइनस है ये ध्यान रखना यहाँ पे टू माइनस है MnO एक माइनस और एक माइनस टू माइनस हो गया अब बता फिर से रेजोनेंस तो करेगा हाँ भाई करेगा नहीं करेगा सारे बॉन्ड सेम टाइप के हुए ना सेम टाइप के बॉन्ड ठीक है ये चलो अब आगे बढ़ते हैं देखो वही पॉइंट वहां पे हम समझा रहे थे MnO4- को अगर बेस में डालोगे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट MnO4- Mn पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन और यहाँ पे प्लस प्लास्टिक है ना अब बताओ जब तुम बेस में डालोगे तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ कि नहीं यस सर और जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है और इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाना है तो एसिड में डालोगे कि नहीं ये बढ़ा कब कैसे बढ़ा एसिड में डालने से बढ़ा ना यस सर अरे समझ में आता है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना है तो बेस में डालो बढ़ाना है तो एसिड में डालो ठीक है यस सर अब यहाँ पे है सर क्लास 5 मिनट में खत्म हो जाएगी हाँ उम्मीद है हो जाएगी ठीक है हो जाएगी अरे यार क्लास खत्म करने के मेन पॉइंट यहाँ पे एक और टॉपिक था वो बताना मैं मिस कर गया देखो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा क्या पूछेगा कि बताइए भाई MnO4- पारा मैग्नेटिक है या डाया मैग्नेटिक है कहा ध्यान है ये डाया मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं क्या पैरा मैग्नेटिक हुआ क्या इसमें डी में तो डी जीरो होता है ना ये डाया मैग्नेटिक है सर फ्लो फ्लो में गलत हो फ्लो फ्लो में
और ये क्या है, ये बताओ इसमें क्या, इसका डी सिक्स है यानी कि डी वन होगा कि नहीं? देखो यहाँ पे डी जीरो होगा और यहाँ पे डी वन होगा, यहाँ पे डी वन होगा, तो ये क्या है, पैरा चलो यहाँ पे देखो टू एच एम एन ओ फोर। अब देखो ये क्या है, एच एम एन ओ फोर है, ठीक है, ये एच एम एन ओ फोर, इसका नाम क्या था, अभी हमने पढ़ा था ना, क्या नाम था बताओ, मैंगनीज एसिड है या पर मैंगनीज एसिड है? पर मैंगनीज एसिड, पर है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एक है, एक है तो नाम क्या रहेगा, पर नाम रहेगा, तो पर मैंगनीज, हाँ बोलो, यहाँ पर दो हाइड्रोजन दो है, मैंगनीज के दो आगे, अबे कहते ये मोल की बता रहा है, तू देखो यहाँ पे एच टू कैसे लिखा हुआ था, ये ऐसे एच टू लिखा हुआ, अरे आगे तो मोल बताता ना, वो बैलेंस करने के लिए लगाते हैं वो बैलेंस। अच्छा पानी का फॉर्मूला क्या होता है, ये भाई ये वाटर नहीं है क्या? अब तुम कल को क्या बोलोगे, पानी में चार हाइड्रोजन होते हैं, और नो सर अब ऐसे नहीं बोलते, ये मोल बता रहा है, पानी का दो मोल है। खैर तुम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कुंजन, यही पढ़ रहे हो सर, लग रहा है मुझे अब मेरे को ना सेव हो गए चाय के, चाय के, हाँ ठीक है। देखो ये क्या है, ये बैलेंस करने के लिए क्या गया, टू एच एम एन ओ फोर जो लिखा हुआ है, इसमें से आप मान लो क्या माइनस कर दो, पानी बाहर निकाल दो, ठीक है, पानी बाहर निकाल दोगे तो देखो क्या बना, ये आपका बचा Mn2O7, 2MnO4, देखो यहाँ पे देखो 2 मतलब समझे, यहाँ पे 2 क्यों लिख दिया गया, इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखने से आपको क्या फायदा हुआ, ये एक्चुअली H2 आप मान सकते हो, खैर ऐसा होता कुछ नया नहीं, आप लिख सकते हो H2Mn2O2 लिखोगे ना, अगर बैलेंस करने की बात करें, यस सर, H2Mn2O8 हो गया। अब बताओ इसमें से तुम दो हाइड्रोजन गैप करोगे, देखो हाइड्रोजन गैप डिलीट हो गया ना, देखो इस स्ट्रक्चर में कोई रिजल्ट में क्या हाइड्रोजन है, नहीं है, और एक ऑक्सीजन डिलीट करना है, दो हाइड्रोजन डिलीट करना है और एक ऑक्सीजन डिलीट करना है, यानी कि ऑक्सीजन साथ ही बचेगा ना, देखो Mn2O7 बचा, Mn2O7 बचा ना, यस सर, बचा Mn2O7। अब तुमसे भाई ये पूछे, ये Mn2O7 याद करो, अभी जस्ट हमने देखा था, ये कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, जल्दी बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये तुमको ये ब्लैंक साइड में जितने भी टॉपिक बताया जा रहा है, ये सारे एनसीईआरटी में जो एक एक लाइन में, मतलब एक होता नहीं, एक लाइन में लिख के आगे बढ़ गया है इस तरह का, और वो तुमको बहुत सर दर्द करेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझो, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सारे पॉइंट मिलेंगे तुमको, और वैसे ये पॉइंट तो तुमको पहले ही मिला था, दिखाए थे एनसीईआरटी में। चलो अब ये देखो Mn2O7 में भी फिर वही बात, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, और इसके स्ट्रक्चर से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं Mn2O7। अब देखो O क्या है, साथ है ना, ऑड नंबर है ना, तो O की संख्या ऑड नंबर में है, तो O की संख्या ऑड नंबर में है, तो क्या करना, एक O को तुम ब्रिज बना देना, दोनों Mn के बीच में एक O को डाल देना, बोलो भाई हो जाएगा, यस सर, Mn के बीच में एक ऑक्सीजन को बीच में पुट कर देना, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे जगह ही नहीं है, देखो कैसे बनेगा, एक Mn और फिर O फिर Mn, तुमको तुम बोलोगे सर मुझे कैसे पता चला एक ऑक्सीजन को बीच में डालना है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑड नंबर में है, तो ऑड नंबर में है तो ये ऑक्सीजन अगर मान लो इस Mn को दोगे तो इस ऑक्सीजन इस पे एक ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला नाराज हो जाएगा, अगर इसको दोगे तो पड़ोसी वाला नाराज हो जाएगा, तो एक काम करेंगे ये ऑक्सीजन को बीच में दे देंगे, अरे बोलो भाई, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन बीच में चला गया और बाकी तीन को ऐसे तुम पुट कर देगे, और देखो ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया, तुमको भी पता है Mn क्या बनता आता है, सात बॉन्ड बनाता है, देखो Mn सात बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, क्या सारे O Mn O बॉन्ड एक ही जैसे है क्या, बताओ क्या सभी O Mn O बॉन्ड एक जैसे है, अरे बोलो, नहीं नहीं सेम है, कैसे नहीं सेम है, देखो इसको X बोलोगे तो इसको भी X बोल सकते हो, रेजोनेंस कर सकते हैं ना, इसको भी X बोल सकते हैं, इसको भी X बोल सकते हो, इसको भी X, इसको भी, लेकिन इसको आपको Y बोलना होगा, इसको Y बोलना होगा, बोलो है कि नहीं, है ना सेम। अब देखो ये ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, दो लोन पेयर होता है ना, और तुमको भी बताओगे
अरे एच टू का शेप कैसा होता है, क्या उस शेप का नाम क्या होता है? एच टू का बेंड होता है क्या? यस सर। बेंड बोलो। अरे एच टू पानी का शेप बेंड शेप का होता है ना। तो बताओ यहाँ पे अगर मैं शेप की बात करूँ तो इस ऑक्सीजन की वजह से इसका शेप यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा सर। अरे स्ट्रेट रहेगा क्या? स्ट्रेट रहेगा। देखो ये क्वेश्चन शायद पूछा होगा। स्ट्रेट नहीं रहेगा। स्ट्रेट नहीं रहेगा क्यों? क्योंकि मुड़ गया ना ये ऑक्सीजन, क्या करेगा इसको स्ट्रेट रहने नहीं देगा। अब बताओ ये एमएन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तुम बताओ हाइब्रिडाइजेशन बताओ। इसकी सर एमएन की, एमएन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। चार बना चार। अबे कितने एमएन से कितने एटम जुड़े हैं? तीन। तीन और ये एटम नहीं है क्या? चार जुड़े हैं। चार एटम जुड़े हैं ना, चार एटम जुड़े हैं। क्या एमएन पे कोई लोन पेयर है? नहीं, लोन पेयर वगैरह नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एसपी थ्री नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो इस एमएन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एसपी थ्री। और एसपी थ्री का शेप कैसा होता है बताओ भाई? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? टेट्राहेड्रल शेप। अरे समझ में आ रहा है? तो ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये जो एमएन टू ओ सेवन है इससे देखो क्या क्या। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा या आयनिक। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें क्या सारे ओ एम एन ओ बॉन्ड सेम होंगे? नहीं भाई, सारे सेम नहीं होंगे। कितने सेम होंगे? तो छह एक तरह के होंगे, दो एक तरह के होंगे। पेयर बनेगा मतलब छह एक जैसा, दो एक जैसा। और इसमें क्या ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं नहीं, स्ट्रेट नहीं है, ये तुम्हारे बेंड होते हैं। एम एन का हाइब्रिडेशन क्या है? एसपी थ्री। एसपी थ्री ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या है? इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? इसका सर, इस ऑक्सीजन का, इस वाले का सर। SP2। अरे लोन पेयर को खा जाओगे क्या? SP3। तब तो बेंड बोल रहे हो कि देखो अगर बेंड लोन पेयर नहीं रहता और तुम एसपी बोलते तो वो क्या होता? वो लीनियर हो जाता। Yes, yes, आपको पढ़ना होगा तो मेरे को मैसेज करना, उसका भी लिंक भेज दूंगा। सारे क्लास 11th में सारे का भेज दो। हां तो हाइब्रिडाइजेशन आता है। आता है तो अच्छी बात है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वही जो लिखा हुआ था ना, मतलब जो अभी हमने पढ़ा उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉन लीनियर एमएन 207 क्या लीनियर होगा? नहीं भाई लीनियर नहीं होगा, वो तो ऑक्सीजन क्या ये। हाँ एक और चीज आता, क्या वो सिमेट्रिकल है? हाँ भाई सिमेट्रिकल है। देखो तुम चाहो तो यहाँ से काट नहीं सकते हो भाई। तो हाँ भाई सिमेट्रिकल है, हो जाएगा ना। तो ये लिखा हुआ है कि ये नॉन लीनियर और सिमेट्रिकल। क्या ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है? हाँ भाई कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट तो है। एमएन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई? sp3। और sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल वो है कि नहीं? यस सर। और भाई एमएन ओए मतलब, हां एक और ही पूछता है कि क्या इसमें एमएन ओए एमएन ओ एमएन बॉन्ड बनता है? ये भी क्वेश्चन बनता है। क्या एमएन ओ मतलब यस सर बनता है? एमएन ओ एमएन बॉन्ड प्रेजेंट है एमएन 207 में? यस सर। यस सर। एक बॉन्ड है, कितने हैं? तो एक है। यही सब क्वेश्चन बनते हैं यार। ठीक है चलो अब। अच्छा ये देखें, ये है, ये इसको निपटा दिया जाए क्या आज? इसको निपटा दो क्या? निपटा दो क्या? करवा दो सर, निपटा दो, कल आराम से रहेंगे। नहीं ये देखो, चलो मैं ये यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है क्योंकि मैंगनीज यहाँ पे देखो, मैंगनीज के बाद में क्रोमियम का स्टोरी स्टार्ट हो जाएगा। तो क्रोमियम का स्टोरी बाद में करेंगे। हालांकि क्या मैंगनीज का स्टोरी खत्म हो गया? नहीं नहीं, मैंगनीज का मैंगनीज तो अभी जीवन भर अभी है। देखो ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, इसको तो पढ़ लेना। नहीं मैंगनीज यानी केमेनोफोर, मेरा कहने का मतलब क्या, केमेनोफोर का कहानी खत्म? नहीं, कहानी केमेनोफोर का खत्म नहीं। अभी तुम केवल उसको प्रिपरेशन देखो, उसका रिएक्शन देखे ही नहीं हो। उसका रिएक्शन देखो यहाँ पे नीचे है, ये तुम एक बार पढ़ के आना ताकि नेक्स्ट क्लास में देखो केमेनोफोर का यहाँ पे रिएक्शन है। यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, न्यूट्रल क्या होगा, बेस में क्या होगा। फिर देखो यहाँ पे इसका है दिया हुआ, केमेनोफोर ही है ना, ये भी केमेनोफोर है। तो ये रिएक्शन थोड़ा पढ़ना, इसको पढ़ना ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में मजा आएगा। और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर को टाटा बाय। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा यस सर कोशिश करेंगे थोड़ा क्लास लंबा जाए बट खत्म कर देना ठीक है। और उसके बाद में स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या होगा? आइसोमेरिज्म। रिकॉर्डिंग तो बंद सर, मुझे तो बोला गया था कि कुछ और स्टार्ट होगा। कुछ और बोला गया था? किसने बोला? अल्फा में ना बैच प्लानर में बोल रहे थे कि स्पेक्ट्रो ऐसे कुछ नाम था, वो स्टार्ट होगा।
स्पीड वाइज तो मैं रिजम करा रही है। एक सेकंड यार, ये मेरा माउस। हां बाय, तो तुम लोग लीव कर सकते हो। एक रिकॉर्डिंग तो बंद करो सर, कुछ ओके सर, बाय सर, कर दे रहा हूं। एक सर कहां जा रहे हो? कहीं जा नहीं रहा हूं यार। एक्चुअली देखो, ये माउस जो है उसका बैटरी हो गया डिस्चार्ज, और ये बहुत ज्यादा ये इसका बैटरी है, मतलब बाय सर बैकअप दे नहीं रहा यार। बाय सर। मेरे भैया काम करते सर, यही था। बताओ अभी कितना से ये माउस? अच्छा वाला दिला दूंगा सर, सस्ते में। सस्ते में अच्छा वाला दिला दोगे? यस सर। देखो ये अपना बिजनेस भी चमका रहा है यहाँ पे। देखो ये बोल रहा होगा मुझे सस्ते में दिला देगा और टीचर को लूट लेगा ये। फिर